बिहार में इन दिनों लगातार शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ये बिहार की मौजूदा हालात बयां कर रही है, जिस पर लगाम लगाने गई उत्पाद विभाग की टीम पर ही शराब कारोबारियों ने हमला बोल दिया। दरअसल अवैध शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई आबकारी विभाग की टीम पर ही शराब कारोबारियों ने हमला बोल दिया। यकीन नहीं आता तो आप ये वीडियो देखिए, तब शायद आपको यकीन हो जाए। आप जरा गौर से देखिए कि किस तरह इन लोगों पर हमले किए गए हैं और ये बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। ये घटना दरअसल आरा जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के घाघा गांव के महादलित टोले में हुआ, जहां पुलिस की टीम पर लगभग 40 से 50 की संख्या में पहुंचे लोगों ने ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया। इस हमले में डीएसपी सहित 11 पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी हो गए। आप सुने इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं उत्पाद निरीक्षक सूर्यभूषण। सर, ये घटना कहाँ घटी है और कब घटी है, कैसे घटी है? भागा में टोली का सूचना प्राप्त था कि वहाँ चुलाई शराब बनाते हैं और बेचते हैं जी। उसमें हम लोग दल बल के साथ वहाँ छापामारी करने गए, छापामारी करके 3-4 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किए थे, पेपर वर्क भी कर किए थे जी जी। 20 से 30 आदमी होंगे आए और हमला कर दिए और अचानक पथराव शुरू कर दिए। कितने घायल हैं लोग इस पथराव में? इसमें हम लोग लगते 11 व्यक्ति हैं, जिसमें कुछ महिला कर्मी भी हैं और हम लोगों के साथ मारपीट भी किया गया। हमारे गाड़ी का शीशा है सर क्षतिग्रस्त किया। आपको भी ज्यादा चोट दिखाई दे रहा है, कहाँ का चोट लगा? हाथ की उंगलियों पर पत्थर से मारा जी। सर में चोट लगा आपका? ये लगा सर में लगा और चेस्ट पर भी आकर के लगा सर। चेस्ट मोबाइल पे तोड़ने की घटना सामने आ रही है। हमारे हमारे स्टाफ का मोबाइल भी तोड़ दिया गया। कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई थी सर? 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें वो लोग सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को छुड़ा करके ले गए और हमारा शराब को भी नष्ट कर दिए। कितना शराब पकड़ा गया था सर? लगभग किन्हीं के पास 10 था, 15 था, 20 था, 25 था, इन्हें भी काउंट नहीं किया गया था। पूरे महादलित टोले में शराब की धंधेबाजी हो रही है सर? भी फाड़ दिए हम लोग, जबकि कागज जो बनी थी उसे भी फाड़ दिया गया और हम लोगों से अभियुक्त को भी छीन लिया। इसके बाद कार्रवाई की गई जी की सर? हमने थाना पर आकर के एफआईआर दर्ज कराया है और हम लोगों के प्रति। मुंह में कितने लोग सर थे जो पथराव जब हो रहा था? तो 40 से 50 लोग थे। क्या सर उसमें कोई नामजद भी किया गया? नामजद हुआ है, नाम पता किया गया है वहाँ के सरपंच ग्रामीण के द्वारा जी जी। और एक जमादार हैं, चौकीदार हैं, उनके द्वारा किया गया, नाम पता करा के दर्ज किया गया। परिचय था सर अपना? चौधरी सूर्यभूषण, निरीक्षक मदनी से उत्पाद थाना परवाड़ी। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जगदीशपुर रेफरल अस्पताल में की जा रही है। इस हमले के दौरान भगदड़ मच गई। पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई इस झड़प का फायदा उठाते हुए ग्रामीणों ने जब्त किए गए देशी शराब के साथ गिरफ्तार शराब के धंधे में संलिप्त लोगों को भी पुलिस के कब्जे से छुड़ा कर भाग निकले। वही इस दौरान कुल 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए, साथ ही उन लोगों ने वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। आप देखें कैसे इन वाहनों को क्षतिग्रस्त की गई है। फिलहाल उत्पाद निरीक्षक के बयान पर केस दर्ज की गई है। गौरतलब हो कि अभी 24 दिनों पहले बीते 3 जनवरी को भी धनगाई थाना क्षेत्र के बोधा टोला गांव में अवैध शराब की बिक्री होने पर छापेमारी करने गई पुलिस पर हमला किया गया, जिसमें धनगाई थाने के एएसआई समेत पुलिसकर्मी घायल हुए थे। तो वहीं अब ये घटना पुलिस वालों के लिए चुनौती बन गई है, जिसके बाद कई लोग घायल हुए हैं। वहीं अब आपको बता दें कि पुलिस हरकत में आई है और इनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार हर बिंदुओं पर जांच की जा रही है और आपको बता दें कि गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी भी जारी है।